कोई पूछ लीजिए। एक बार आप जाके शिवशंकर टोकरे साहब जाके प्रिंसिपल से जाके मिल के मास मीडिया वाले पर्सनली जाके उनसे क्वेश्चन करना, आप दिलाए या शासक दिलाए बोल के। आज हेल्प हो रहा है ना, 100 बेडर तो एमएलए साहब क्रेडिट कौन से क्रेडिट, कैसा क्रेडिट ले सकते हो, कैसे लेटर क्रेडिट ले सकते हैं? लेटर ही मेरे नाम पे है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का लेटर मेरे नाम पे है, उन्होंने कैसा क्रेडिट निकाल सकते हैं? तो एक लेटर जो लिखे है 100 बेड के लिए, देव बोल के गवर्नमेंट को सिफारिश का लेटर दिखाए तो दिखा दो, बोलो मैं मान लेता हूँ। बीजेपी की गवर्नमेंट रोक रही बोल के बता रहे सर, सीएमसी जो बॉडी फॉर्म, बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों रुकाएगी? बीजेपी गवर्नमेंट तो इट इज इन फेवर, जो भी इलेक्टेड ऑलरेडी कैटेगरी बना दिए, अब कर देना चाहिए इमीडिएटली अनाउंस करके। सिटिंग एमएलए परसों असेंबली हुआ, क्वेश्चन राइज कर सकते थे, कितने बार क्वेश्चन राइज करे कहते, 12 साल से एमएलए अभी कितने बार क्वेश्चन राइज करे, कौन से क्वेश्चन पूछे बोल के एक बार पूछ के मेरे को भी कॉपी डाल दो, मैं इधर से उत्तर दे देता हूँ उसका 70,000 के जैसा। उस दिन बोले जानपड़ में जाके कहीं जापान से पानी लाता हूँ बोल के, परसों कहीं सुना मैं खिला के चाबी देता हूँ बोल के, अब आप बोल रहे 17,000, मजाक कर रहे क्या? सर ये मेले रेमथा साहब बताए कि डेवलपमेंट ओवरऑल बहुत ज़्यादा हो रहा, तो सर आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बनाना डेवलपमेंट है सर? डेवलपमेंट हो रहा है सर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का फंड है जो फंड आया है, एक्चुअली एज एन एमएलए उनको 1.5 करोड़ रुपये देते सर, 2 करोड़ रुपये मिलता है, बाकी का जो फंड है नगरोत्थान का फंड है, नगरोत्थान में फंड आया है, वो नगरोत्थान का फंड से डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो खुद बोर्ड डालने से वो काम उन्होंने लेके आए, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का 15 कमीशन का बजट है वो लेके आए, तो उनका उन्होंने करिए बोल के कहाँ से हो सकता है, उन्होंने करे तो उन्होंने करो बोल सकते हैं, उन्होंने जाके पर्सनल एप्लीकेशन देके सिर्फ 25 करोड़ रुपये यही बसवराज बोम्मई जी की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री के पास जाके एक लेटर लिए तो उनको 25 करोड़ रुपये मिला है, वो 25 करोड़ रुपये उन्होंने लाए, लेकिन उन्होंने बोर्ड देखे तो एक 200-300 करोड़ का डाल लिया मेरे ख्याल से जी। 1999 में लास्ट टाइम जो है बीजेपी जीती थी, इसकी क्या वजह से उसके बाद में मुस्लिम आउटरीच नहीं हो रहा, माइनॉरिटी वोट्स आपको नहीं मिल रहे, क्या रीज़न है सर? माइनॉरिटी वोट्स तो मेरे को मिलते हैं सर हर वक्त, माइनॉरिटी वोट से अगर मैं 65,000 वोट लिया हूँ तो माइनॉरिटी वोट डाले तो 65,000 वोट लिया हूँ, नहीं तो कैसे माइनॉरिटी वोट मिलते थे, माइनॉरिटी डाले बोल के तो 65,000 वोट मिले। एंड मोर एवर आई डोंट बिलीव इन कास्ट रीजन रिलीजन, आई बिलीव इन डेवलपमेंट, यू हैव बीन सीइंग मी, मैंने क्या क्या काम किया है आप देखें, वेदर इट इज़ उद्योग मेला होने, तो देखो ये बिदर का एयरपोर्ट लेके आए, क्या मैं एमएलए हूँ लेके आए, कर्णा भवन लेके आया, और ऑर्डर मेरे नाम पे है, हाँ हम तो एमएलए भी नहीं है लेकिन कैसे लेके आए, ये ओल्ड सिटी का हॉस्पिटल इधर ही पान थूकते थे, मैं इधर हमारे अली भाई बल्कि न्यूज़पेपर हैदराबाद कर्नाटक के उनको मिलने गया था, जाते देखा तो पूछा उनको ये क्या है, बल्कि ओल्ड सिटी है इधर सब थूक रहे थे, मैं बोले ये तो हॉस्पिटल था ना पहले, हाँ अभी सब इधर पेशाब करते हैं लोग, गंदगी करके रखे, मैं बोलो फिर मैं जाके अप्लीकेशन दे के लेटर दे के नुमाइंदगी करके, नहीं डेवलपमेंट ये हो गया तो अभी तक मेरे पास लेटर्स डॉक्यूमेंट्स कम्युनिकेशन करे सो ऑल डिटेल्स है, करने के बाद या नीचे पूरा मड़ेगांव सर्कल तक हेल्प होता, खाली ओल्ड सिटी को हेल्प नहीं होता, पूरा मड़ेगांव सर्कल तक हेल्प होता, बोल के आज हेल्प हो रहा है ना। 100 बेडर तो एमएलए साहब क्रेडिट, कौन से क्रेडिट, कैसा क्रेडिट ले सकते हो, कैसे लेटर क्रेडिट ले सकते हैं? लेटर ही मेरे नाम पे है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का लेटर मेरे नाम पे है, उन्होंने कैसा क्रेडिट निकाल सकते हो? तो एक लेटर जो लिखे है 100 बेड के लिए, देव बोल के गवर्नमेंट को सिफारिश का लेटर दिखाए तो दिखा दो, बोलो मैं मान लेता हूँ। बजट लाना तो दूसरी बात, सिफारिश का अगर लेटर भी दिए है ओल्ड सिटी का हॉस्पिटल के लिए, मैं मान लेता हूँ। सर सीएमसी की बॉडी को लेकर आपका स्टेटमेंट, सर आपका इल्जाम है सर बीजेपी की गवर्नमेंट रोक रही बोल के बता रहे हैं सर, सीएमसी जो बॉडी फॉर्म नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट क्यों रुकाएगी? बीजेपी गवर्नमेंट तो इट इज इन फेवर, जो भी इलेक्टेड ऑलरेडी कैटेगरी बना दिए, अब कर देना चाहिए इमीडिएटली अनाउंस करके। सिटिंग एमएलए परसों असेंबली हुआ, क्वेश्चन राइज कर सकते थे, कितने बार क्वेश्चन राइज करे कहते, 12 साल से एमएलए अभी कितने बार क्वेश्चन राइज करे, कौन से क्वेश्चन पूछे बोल के एक बार पूछ के मेरे को भी कॉपी डाल दो, मैं इधर से उत्तर दे देता हूँ उसका। कितने बार असेंबली में जाके बीदर के बारे में, बीदर के डेवलपमेंट के बारे में, बीदर के लोगों के बारे में कितने बार जाके पूछे असेंबली में, बोले कि मेरे बीदर को ये चाहिए, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं हुआ, अगर हुआ है, अगर बात किए तो वो वीडियो भी दिखाओ, वो मिनट भी दिखाओ, वो जीरो ओवर में किनो क्वेश्चन कौन सा पूछे, मैं बात कर लेता। सर जॉब्स को लेके 17,000 to 18,000 सिर्फ एक कॉलेज से निकला बोल के बताया सर, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट तो फिर दूसरे कोई विधायक नहीं करे होंगे, तो आपसे ये सवाल है जब 17,000 to 18,000 सिर्फ आईटीआई कॉलेज से जॉब निकल रहा तो डेवलपमेंट का पैमाना तो बहुत ज़्यादा हो गया। 60,000 जॉब दिलाए बोले कितने, 17,000 to 18,000 उस दिन मैं सुना 70,000 के जैसा, उस दिन बोले जानपड़ में जाके कहीं जापान से पानी लाता हूँ बोल के, परसों कहीं सुना मैं खिला के चाबी देता हूँ बोल के, अब आप बोल रहे 17,000, मजाक कर रहे क्या?
आईटीआई के चीफ जो है बीदर के शिवशंकर टोकरे बोल के हैं, उन्होंने बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला है, हाईएस्ट जॉब क्रिएट करके हाईएस्ट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग किए बोल के। तो फिर उन्होंने प्रिंसिपल है या उन्होंने करे उनको ही पूछ लीजिए। एक बार आप जाके शिवशंकर टोकरे साहब जाके प्रिंसिपल से जाके मिल के मास मीडिया वाले पर्सनली जाके उनसे क्वेश्चन करना, आप दिलाए या शासक दिलाए बोल के।